हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M21 स्मार्टफोन के बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी के अपडेट के बारे में कि सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के अंदर जो है क्या बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी का जो है अपडेट गूगल प्ले सिस्टम सिक्योरिटी अपडेट जो है उसके अंदर रोल आउट कराया है नहीं कराया है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करने के लिए आपको जाना है सैमसंग के फ़ोन के सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको जाना है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पे आ जाना है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी के अंदर। इसके अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक है सिक्योरिटी अपडेट, एक है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट। तो यहाँ पे इसको चेक करना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्मार्टफोन के अंदर 1 अक्टूबर 2022 का है, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को है कि यहाँ पे अपडेट जो है मिल चुका है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट का। यह है 53 MB का, तो इसको सिंपली ऐसे जो है डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है डाउनलोडिंग अपडेट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है अभी, 4% यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, 6% अभी कुछ देर में ही आपके जो है फ़ोन के अंदर जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंस्टॉल रिस्टार्ट का। यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड होते ही। तो उसके बाद आपने फ़ोन को जो है रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको जो है आपका फ़ोन जो है यहाँ पे अपडेट होना रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपका फ़ोन जो है अपने आप जो है स्विच ऑफ होगा, ऑफ होने के बाद ऑन होगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इंस्टॉलिंग अपडेट, यहाँ पे इंस्टॉलिंग अपडेट हो रहा है। तो मैं आपके सामने जो है करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक से जो है स्विच ऑफ हो चुका है। स्विच ऑफ होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ऑन होगा। तो अक्टूबर का इसके अंदर जो है हमें गूगल प्ले सिस्टम अपडेट देखने को मिल रहा था। अब देख लेते हैं हमें इसके अंदर जो है कौन से गूगल प्ले सिस्टम अपडेट हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है सैमसंग गैलेक्सी M21 स्मार्टफोन है जो कि मैं अभी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, इसको रिस्टार्ट होने देते हैं। और देख सकते हैं मैं पीछे अपना फ़ोन के अंदर एक नया स्क्रीन जो है कवर्ड करवा लिया हूँ अपने फ़ोन को। देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये फ़ोन स्क्रीन पीछे अप्लाई कर देने से। तो मेरा फ़ोन जो है रिस्टार्ट हो रहा है, तो इसको रिस्टार्ट होने देते हैं अभी, बस थोड़ी देर में रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसी स्मार्टफोन के अंदर जो है पहले अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर सिक्योरिटी पैच अलग होते हैं और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है आपका जो है अलग होते हैं, ठीक है। तो ये गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है जो कि सिक्योरिटी पैच से अलग है, तो इसको भी अपडेट करते रहना चाहिए। बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी कब्दर ये अंदर आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसको जल्दी से रिस्टार्ट होने देते, भाई काफ़ी टाइम लग गया इसको रिस्टार्ट होने में, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं भाई, कितना टाइम लगेगा, अभी तक रिस्टार्ट नहीं हुआ। तो थोड़ा सा और यहाँ पे वेट कर लेते हैं, क्या पता अभी जो है रिस्टार्ट हो जाए, मेरा फ़ोन ऑन हो जाए। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा, तो मतलब अभी रिबूट पे है, ठीक है। ये फ़ोन जो है रिबूट पे है, तो देखते हैं कब तक ये जो है रिस्टार्ट होता है। भाई काफ़ी टाइम लग गया भाई, इतना वेट कौन करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बस थोड़ा सा टाइम के बाद ये स्टार्ट होगा, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे अपडेट की फ़ाइल भी काफ़ी बड़ी थी, 53 MB की थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टार्ट हो रहा है। अब बस कुछ सेकंड में ये फ़ोन जो रहा है मेरा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद मैं आपको यहाँ पर इसके अंदर जो है चेक कराता हूँ इसके सैमसंग के M21 स्मार्टफोन के अंदर कि इसको नया जो है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है कौन से महीने का हमें जो है देखने को मिला है। यहाँ पे ऑप्टिमाइज ऐप कर रहा है, बस ये रिस्टार्ट हो रहा है, थोड़ी देर में रिस्टार्ट होने वाला है। बस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये फ़ोन जो है इसके अंदर जो है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट कौन से महीने का देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को सिंगल टेक में ही लेना चाह रहा हूँ, इसे कट और पेस्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर फ़ोन लग रहा है रिस्टार्ट हो गया फाइनली, देख सकते हैं टाइम वाइम सब यहाँ पे आ चुका है। तो इसको यहाँ पे अनलॉक करते हैं अपने फ़ोन को, तो रिस्टार्ट होगा, फ़ोन इज़ रिस्टार्टिंग। तो मैं आपको अभी सेटिंग के अंदर जाता हूँ और चेक कराता हूँ, पहले फ़ोन को अच्छे से रिबूट हो जाने देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन जो है रिस्टार्ट हो रहा है, तो होने के बाद यहाँ पर फाइनली फ़ोन जो है रिस्टार्ट हो चुका। तो अपने फ़ोन के
सेटिंग के अंदर जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली सैमसंग ने इसको गूगल प्ले सिस्टम में जो रोल आउट करा दिया है नवंबर का। अभी चेक फॉर अपडेट कर रहा है तो आपको कोई भी इसे अपडेट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अप टू डेट हो चुका है और ये नवंबर का आपको सिक्योरिटी पे देखने को मिल जा रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन है, ये जो है अपडेट हो चुका है फाइनली। तो आप भी अभी तक अपडेट नहीं किए तो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।